अपनी टार्जन और किया जो है हो गई है जी पार्क, काम हमारा हो चुका है शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। सजावल भाई अस्सलाम वालेकुम, मिस्त्री साहब अस्सलाम वालेकुम। सजावल भाई का ये काम है, मिस्त्री साहब मुझे चाहिए थे। सजावल भाई ने कहा कि बस ये काम एक घंटे में ख़त्म हो जाएगा, मिस्त्री साहब आपके पास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मार्शल जो है ना हमारा, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओह अभी दूर है, खैर आ रहा है जी। साथ वाले गाँव गया था मैं, वो मिस्त्री के कहने तो ये मेरे पीछे चला गया हुआ था। फिर मुझे बड़ा मोहतात हो के आना पड़ा है, क्योंकि जिस साइड पे कुत्ते होते हैं ना, वो जो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, उस साइड से मैं फिर नहीं मैं घूम के आया हूँ, ताकि वो इसे डिस्टर्ब ना करूँ। अरे यार अभी वो खेतों से कभी इधर कभी उधर रुक रुक के आ रहा है। ये आ गया माशाल्लाह। वो पीछे कुत्ते पड़े हैं ना, तो ये फिर घूम के उनको देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमारी ग्राउंड जो है ना वो ज़बरदस्त हो गई है। ये देखो माशाल्लाह, ये बजरी फैल गई है। अब वेट हो रहा है टफ टाइल का और वेट हो रहा है मिस्त्री साहब का। हम दमूस नहीं, क्या कहेंगे इसे, दमूसा ही कहेंगे। ये लेके आए थे लेकिन ये टूट चुका है, तो इसे दोबारा से वेल्ड करवाना पड़ेगा। इसे दोबारा से वेल्ड करवाते हैं इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ से कूटने वाला रहता है वहाँ से कूटते हैं इंशाल्लाह। और मिस्त्री का भी पता करके आते हैं। मैं कॉल कर रहा हूँ यासर भाई को, यार लोडर अभी तक नहीं आया, क्या सीन है। माशाल्लाह जी मिस्त्री साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी बच्चों का टाइम हो चुका है, मतलब छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। यासर भाई से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि लोडर जो है ना वो आपके गांव के नज़दीक जो गांव है ना वहाँ पे पहुँच चुका होगा, लेकिन वो गांव क्रॉस कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जो लोडर है ना टफ टायर का, वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। अल्लाह खैर करे, 600 टफ टायर जो है वो उन्होंने लोड की हुई है, तकरीबन 1150 आएगी। बस खैर हो, कोई मसला ना हो गया हो जिसकी वजह से वो लेट है, वो ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा हमारा काम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाइल आ गई माशाल्लाह। संगा पड़ा वजन है, पुरानी लिया दिया ताजी लिया दिया सारी गिनती की है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टायर जो है वो तकरीबन 600 पीस है जो हमने उतार लिया है। साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट था, इतना ही और आने वाला है, तो खैर 1150 पीस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट तो ओके हो गया। अब यहाँ पे रेत ऊपर डाली जाएगी और फिर लेवल निकाला जाएगा इस चपटी से इंशाल्लाह। फिर लेवल निकल जाएगा, लेवल हो जाएगा, फिर ऊपर टाइल जो है वो बिछानी शुरू कर देगी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम इसके दो हिस्से करेंगे, ऐसे ही अभी भी दो हिस्से करेंगे, एक वो वाला और एक ये वाला। पहले वहां पे लगाएंगे, फिर आगे यहाँ पे लगाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से हम कामयाबी के साथ कामयाब हो गए। तो अभी काम हमारा जोर शोर से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम हमारा हो चुका है शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। यार गड्डियां तो छत पिछे रह जाने हैं। सही हो गया ना, ढाल तो होनी चाहिए, पानी पैंदे ना उस।
ਸਰ ਮਹਿੰਗੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇ ਟਾਇਰ ਲਾਈ ਹੈ ਭਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਐ ਹੋਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਪੇ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਓਏ ਯਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦੂਨ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਪਾਇਆ ਬੱਬਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਣ ਗਿਆ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਮਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਘਰ ਕੇ ਦੇਗਾ ਰੇਤ ਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਬਸ ਫਰਮੇ ਲਿਆਓ 10 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਕੰਪਲੀਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਓ 300 ਹੋ ਗਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਹਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारा एरिया हो गया बस एक गली रह गई है और टाफ्टाल जो है आधा हिस्सा आ चुकी थी पहले आधा हिस्सा अब आ गई है तो इसको अब अनलोड करेंगे इंशाल्लाह काफी मेहनत का काम है अल्हम्दुलिल्लाह जी लोडर सारा का सारा खाली हो गया सारी की सारी टाइल्स जो है वो नीचे उतार दी है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये टाइल यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं यहाँ पे टाइल्स हैं जो लगनी है और माशाल्लाह वहाँ तक लग गई हैं फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया और ये नाली रह गई है ये बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काफ़ी काम हो चुका है यहाँ से भी हमने शुरू कर दिया था लेकिन रात बहुत हो गई है सुबह भी काम करना है तो मिस्त्री साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह सुबह काम करेंगे मिस्त्री साहब साथ वाले गांव के हैं तो इन्हें मैं छोड़ आता हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी मिस्त्री साहब को मैं छोड़ आया हूँ और वहाँ से मूँगफली यानी साथ वाले गाँव से मूँगफली ले आया हूँ अभी इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं और बाकी का काम सुबह ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह जी मिस्त्री साहब आ चुके हैं हमारा काम शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में हमारा काम ख़त्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह जी जहाँ पे हमने नाली बनानी थी ना ये पाइप लास्ट टाइम हमने ना ऐसे किया था कि जू के ना छत पे सेवरेज लगाई पाइप लगाए थे पार्चे हम बोलते हैं उसमें 5 फुट का पाइप जो है वो बच गया हुआ था तो वो यहाँ पे हमारे काम आ गया तभी 5 फुट का पाइप है यहाँ पे एक छोटी सी हौदी बनाएंगे हौद बनाएंगे ताकि पानी उसमें आए अगर मट्टी हो तो नीचे बैठ जाए और पाइप रास्ते पानी ही जाए हमारा काम आखिरी मराहल में है अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम मिस्त्रियां नूं तैनूं पता साफ़ इट तोड़न दा बहुता स्वाद आउंदा माशाल्लाह जी आखरी यहाँ पे मसला था यहाँ पे टाइल खत्म हो जाती थी आगे से कर दिया है मुंह बंद प्लास्टर के साथ इधर से हो गया कंप्लीट अब यहाँ पे रेत डालनी है पानी लगाना है ताकि रेत जो है ना जो जितने इसके मसाम हैं दराड़े हैं उनमें चली जाए और वो लॉक हो जाए और उसके अलावा ये 7 साल जो जगह बची है ना इसमें सीमेंट लगाना है ताकि इनकी भी हिलजुल जो है वो ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह बस यही काम रह गया है बाकी फिर बाद में सफाई की जाएगी और यहाँ पे हम लेके आएंगे अपनी किया को टार्जन को और करोला तो फिलहाल गई हुई है करोला आएगी तो वो भी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी ये मैंने बताया था ना ये जगह लगती थी अब नहीं लगेगी अब बम्पर जो है बम्पर कहते हैं यहाँ तक आ सकता है
माशाल्लाह जी टफ टायर जो है ये लग चुकी है, सारा काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दो दो मैंने खाने जड़ियाँ बचन पक जान गया। लीजिए जी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी भी ले लिया, अपनी टार्जन और किया जो है हो गई है जी पार्क अल्हम्दुलिल्लाह। टफ टायर ज़बरदस्त हो गई, अब तीसरी गाड़ी के लिए यहाँ पे जगह है। हमने किया जो है ना पीछे यहाँ पे खड़ी की थी, फिर मैं आगे ले गया क्योंकि यहाँ से ना ये टायर दब गई है थोड़ी सी। क्या है कि यहाँ पे कच्ची मट्टी है इस वजह से, तो इसलिए मैंने किया को आगे खड़ा कर दिया। अपनी टार्जन का तो कोई मसला नहीं है, इस एरिया में पता है ना यहाँ पे हमने पाइप डाला है, तो इसको ना मैं ज़्यादा क्लोज लेके गया था, यहाँ पे नहीं मुझे लेके आना चाहिए था टायर। यहाँ पे नीचे पाइप भी है, मुझे ना थोड़ा सा इस साइड पे खड़ी करनी चाहिए थी, यानी एक टायर यहाँ पे आया ना ये टायर यहाँ पे आता ना फिर सही था, मैं गलत ले गया। बहरहाल जी हमारा काम हुआ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, कल से हम लगे हुए हैं, बल्कि बहुत दिनों से लगे हुए हैं। टाइल का ऑर्डर देना था, बज्जर आना था, रेत आनी थी, तो फाइनली हमारा काम हो चुका है तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी वीर जी, हाँ सही हो गया, सही हो गया, बहुत सोना हो गया सर, ओके हो गया। तो खैर जी आज की वीडियो बस यही थी, यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ आपको ये टफ टाइल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी हल्की हल्की रेत है, सही से नहीं साफ़ की, क्योंकि ये धो के साफ़ होता ना तो सही था, लेकिन साइडों पे प्लास्टर सीमेंट लगाया हुआ है तो वो अभी कच्चा है, कल इसे पानी भी लगा लेंगे और फिर ये धुल भी जाएगी इंशाल्लाह। अभी ये लुक आ रही है माशाल्लाह, ओके हो गया जी।